I will explain you two body head on. Two body head on. Non-elastic collision. Or inelastic collision. Non-elastic collision को हम inelastic collision भी कहते हैं. Two body, जो भी कुछ concept समझाऊंगा और two body से समझाऊंगा, और head-on collision. Head-on collision का मतलब पहले ही बता चुका हूं. The relative velocities would be along the line joining the center of masses. Up. Here, momentum is conserved, but total mechanical energy is not conserved. Here, momentum is conserved. Momentum तो हमेशा ही conserve होता है. किसी भी तरह का collision हो, हम इसलिए momentum को conserve करते हैं क्योंकि हम collision event को, collision phenomena को almost zero time में होता हुआ देखते हैं. इसलिए उस zero time में external force हो या नहीं हो, momentum में कोई change नहीं आता है. Momentum constant रहता है, momentum conserved रहता है. Why? Total mechanical energy is not conserved. Total mechanical energy से हमारा मतलब है kinetic plus potential. Total mechanical energy is not conserved. We used to say a fraction of energy. Total mechanical energy का एक fraction किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होएगा. एनर्जी कंजर्व रहेगी मगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ दो ही तरह की एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. वहां पर मैकेनिकल एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो या तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. हम आगे ऐसे भी कोलिजन देखेंगे. हमारे आसपास जितने भी कोलिजन हो रहे हैं, मैं एक चौक को इस बोर्ड पर हिट करवा दूं, आवाज सुनाई देगी. आवाज का सुनाई देना मतलब कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई है. इनफैक्ट इलास्टिक कोलिजन के दौरान कोई आवाज नहीं होती है. यदि आवाज हो रही है मतलब वो इनइलास्टिक कोलिजन. पार्टिकल्स टकराते टकराते यदि गर्म हो रहे हैं मतलब कि वो इनइलास्टिक कोलिजन है. वहां पर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. आगे हम ऐसे भी कोलिजन देखेंगे जहां कोलिजन के बाद एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. Such collisions would be called inelastic collision or non-elastic collision. ऐसे collision के लिए एक equation तो निश्चित बनेगी ही. कौन सी? Momentum conservation equation. Momentum conservation equation तो हम हमेशा बनाएंगे. Energy conservation equation इधर नहीं बना सकेंगे. ऐसे collision में हम इस्तेमाल करते हैं the concept. अगली इक्वेशन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. यदि यह बॉडी वन है मूविंग विथ सम वेलोसिटी वी वन, इफ दिस इज बॉडी वन moving with some velocity v1, and if this is body 2
moving with some velocity? V2. If this is the situation before collision, यह बिफोर कोलिजन सिचुएशन है तो हमने डिफाइन कर रखा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इट्स वी वन माइनस वी टू. कोलिजन के बाद इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, बॉडी वन की वेलोसिटी फाइनली वी वन डैश हो जाएगी और बॉडी टू की वेलोसिटी सम वी टू डैश. हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन. वेलोसिटी ऑफ separation after collision and it's v2 dash minus v1 dash. During non-elastic collision or inelastic collision, we'll frequently use the concept of coefficient of restitution. Coefficient of restitution, we denote it by E. यह concept हम frequently इस्तेमाल करेंगे and this coefficient of restitution is defined as velocity of separation after collision upon velocity of approach before collision. This is velocity of separation after collision upon velocity of approach before collision. It's defined as V2 dash minus V1 dash upon V1 minus V2 in this situation. हम coefficient of restitution के द्वारा दूसरी equation बनाते हैं situation को solve करने के. अब यदि किसी collision में coefficient of restitution की value 1 हो जाए, किसी collision के दौरान यदि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 हो जाए, व्हाट डू दिस इंप्लाई? जरा देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आया था. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की थ्योरी फिजिक्स टर्न करके देखिए. वहां पर हमने एनर्जी को कंजर्व करके यह प्रूव कर दिया था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच before collision is equal to velocity of separation after collision, coefficient of restitution is 1. Yadi coefficient of restitution 1 ho jaye, it always imply it's perfectly elastic collision. Waha ek perfectly elastic collision kehlayega. यदि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 हो जाए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होएगा? इट मींस दैट इट वुड बी परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. It's perfectly non-elastic collision or perfectly
inelastic collision. A perfectly non-elastic collision, से हम confused हो जाते हैं, कई बार misconcept develop कर लेते हैं. कई लोग क्या समझ बैठते हैं कि perfectly non-elastic collision का मतलब है कि सारी energy loss हो गई. ऐसा नहीं है. Perfectly non-elastic collision का मतलब है coefficient of restitution zero होना. अब coefficient of restitution zero कैसे होएगा? If velocity of separation after collision becomes zero, यदि यह numerator zero हो जाए, velocity of separation after collision zero हो जाए, तो perfectly non-elastic collision. ये zero कब होएगा? यदि यह दोनों body टकराने के बाद separate नहीं हो, यदि यह दोनों body टकराने के बाद चुपक जाए और चुपक के एक साथ चलने लगे, ये body आई, इससे टकराई, टकराने के बाद यह दोनों बॉडी स्टिक कर गई और स्टिक करके दोनों सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगी. दोनों यदि सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन हम कहेंगे जीरो. और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन यदि जीरो हो गया तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो हो जाएगा. और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यदि जीरो हो गया तो परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन होगा. अब ऐसे केस में एनर्जी जीरो हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. दोनों स्टिक करके कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ सकती है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उनके पास बची रहेगी. दिस इज परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन. व्हाई? इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन. ग्रेटर देन जीरो मतलब परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन नहीं है. लेस देन वन मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी नहीं. इट्स पार्शियली इलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन. हम इसे कहेंगे पार्शियली इलास्टिक कोलिजन या फिर हम कहेंगे पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन. Partially inelastic collision. मैं इसी सिचुएशन को अब समझाता हूं. मैं सबसे पहले तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो समझ चुका हूं. मैं परफेक्टली नॉन इलास्टिक वाले कुछ केसेस आपको बताता हूं और फिर पार्शियली नॉन इलास्टिक वाले केसेस बताऊंगा और उससे हम सिचुएशन को विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे. देखिए, दिस आर टू आइडेंटिकल मासेस. Identical masses. This is mass m moving with some velocity v1. This is mass m moving with some velocity v2. The two identical masses undergo perfectly non-elastic collision. They undergo perfectly non-elastic collision. Let's try to analyze this situation.
अब इस जगह पर हम यह सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी. फिर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी. हम यह समझने की कोशिश करेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और फिर यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह काइनेटिक एनर्जी आखिर गई कहां पर होगी. अब यदि यह इनइलास्टिक कोलिजन करेंगे तो यह तो बिफोर कोलिजन की सिचुएशन दे रखी है. आफ्टर कोलिजन यह दोनों मासेस चिपक जाएंगे और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब चिपक जाएंगे और कुछ v नॉट वेलोसिटी से दोनों, या कुछ v वेलोसिटी से दोनों मूव करने लगेंगे. दोनों चिपक गए और चिपकने की वजह से दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां लिखा था परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो, और इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकम्स जीरो. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकम्स जीरो आफ्टर कोलिजन. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बिकम्स जीरो. इसलिए दोनों सेम वेलोसिटी से. अब मोमेंटम पर हमेशा कंजर्व होना है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना है, इसलिए कहेंगे एम वी वन प्लस एम वी टू इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी. तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय टू. दिस इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दिस इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन? इस काइनेटिक एनर्जी को समझने से पहले मैं बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लिख दू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दू. इट्स हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर और हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर. यह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी. कोलिजन के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी इधर लिख देता हूं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर और एम इंटू वी वन प्लस वी टू बाय टू होल स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर एम इंटू वी स्क्वायर, ऐसा कैसे लिख दिया? दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालें. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के ई, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ ज्यादा होगी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कुछ कम होगी, कुछ एनर्जी वहां पर लूज हो गई कोलिजन के दौरान, नॉन इलास्टिक कोलिजन के दौरान कितनी एनर्जी लूज हुई? भाई यह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम
V1 square plus V2 square minus M by 4 V1 plus V2 whole square. यह लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम डिटरमाइन कर लेते हैं. इसी समय हाफ एम कॉमन या 1/4 m कर देता हूं मैं, 1 m/4 कॉमन, और इधर हो जाएगा 2 v1 square प्लस 2 v2 square माइनस m/4 बाहर आ चुका है, v1 square माइनस v2 square माइनस 2 v1 v2. और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज m/4 इंटू v1 square प्लस v2 square माइनस 2 v1 v2. और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज m/4, दिस इज v1 माइनस v2 होल स्क्वायर. m/4 पॉजिटिव वैल्यू होगी, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर यह भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, विच प्रूव्स दैट अ फाइनाइट पॉजिटिव amount of energy is always lost during perfectly non-elastic collision. यह एनर्जी वहां पर या तो साउंड एनर्जी के रूप में अपीयर होगी या हीट एनर्जी के रूप में अपीयर होगी. वहां पर कुछ आवाज होगी और वहां पर दोनों बॉडीज टकराने के बाद में थोड़ी गर्म भी हो जाएंगी. इस तरह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का एक लॉस आ जाएगा. दिस इज परफेक्ट नॉन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल मासेस. मैंने दो आइडेंटिकल मासेस का परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन भी कराया था, यह दो आइडेंटिकल मासेस का परफेक्ट नॉन इलास्टिक कोलिजन. मैं यह नहीं कहता कि यह सारी चीज रटने की आवश्यकता है. यदि हमने कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ लिया तो किसी भी समय पर यह सारी चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं. ऑल दो ऑल दिस आर द डेरिवेशंस विच वुड बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर टर्मिनल एग्जामिनेशन, इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. ये कुछ डेरिवेशन है जो वहां पर पूछते हैं और आपको इन्हें डेराइव करना भी आना चाहिए और साथ में इनके जो कंक्लूजन है उनको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ध्यान से देखें, कहीं कोई डाउट हो तो पूछे.